1887 में आज ही के दिन अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने दुनिया के सामने पहला फोनोग्राफ पेश किया था, जिस पर आवाज को रिकॉर्ड किया जा सकता था और बाद में सुना भी जा सकता था। असल में उनका शोध टेलीग्राफ और टेलीफोन से जुड़ा था। वे संदेशों को पेपर टेप पर उतारने और फिर उन्हें टेलीग्राफ के जरिए भेजने वाली मशीन तैयार कर रहे थे, तभी उन्होंने अपनी ही रिकॉर्ड की हुई आवाज को दोबारा सुना। हालांकि इसके बाद 1878 में एडिसन अपने दूसरे आविष्कार बिजली के बल्ब की दिशा में आगे बढ़ गए। दूसरे वैज्ञानिकों ने फोनोग्राफ को विकसित करने का काम आगे बढ़ाया। 1887 में एडिसन दोबारा इस शोध पर लौटे और एक बार वैक्स सिलेंडर तकनीक इस्तेमाल की, जिसे चार्ल्स टेंटर ने विकसित किया था। धीरे धीरे ये उपकरण मनोरंजन के बड़े माध्यम के रूप में सामने आया। 1912 में एडिसन का डिस्क फोनोग्राफ बाजार में आया। 1920 के दशक में रेडियो के आ जाने के बाद फोनोग्राफ की लोकप्रियता घटने लगी। आज ही के दिन 1970 में मशहूर वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन का निधन हुआ था। शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने का सिद्धांत और आयुर्वेद के फार्मूले आदि इनकी मशहूर खोज है। 28 फरवरी 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए हर वर्ष भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन पर अहम योगदान के लिए 1930 में सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1954 में सीवी रमन को भारत रत्न सम्मान और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से नवाजा गया। 1967 में आज एक दिन ब्रिटेन में फुट एंड माउथ की महामारी फैलने के बाद लाखों जानवरों को मारा गया था। नवंबर में फुट एंड माउथ बीमारी का फैलाव चरम पर पहुंच गया था और जून 1968 में इस पर थोड़ा काबू पाया जा सका था। इस महामारी से लड़ाई पर सरकार ने 2,70,00,000 पाउंड खर्च किए थे। 2001 में एक बार फिर इस बीमारी ने दस्तक दी और 2001 में एक बार फिर इस बीमारी ने दस्तक दी और इस बार पैमाना 1967 में हुई महामारी से भी ज्यादा था। महामारी के प्रकोप के बाद पूरे ब्रिटेन में करीब 40,00,000 जानवरों को मारा गया था। 2001 में सरकार को 8 अरब पाउंड का खर्चा उठाना पड़ा था। 1979 में आज एक दिन इस्लामाबाद में हिंसक ग्रोह ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया था। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खमैनी के उस बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि मक्का में इस्लाम के पवित्र स्थल में मस्जिद पर कब्जे के पीछे अमेरिकी ताकतों का हाथ था। हालांकि अमेरिका ने इस रिपोर्ट को गलत और गैर जिम्मेदार बताया था। उधर सऊदी अरब के अधिकारियों ने भी घोषणा की थी कि मक्का की मस्जिद पर हुआ कब्जा मुसलमान कट्टरपंथियों ने किया था, न कि पश्चिमी ताकतों ने। 2001 तक पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बरकरार रहा, जिसके बाद पाकिस्तान ने चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ देने के लिए अपनी सहमति जताई थी। और 2007 में आज के दिन पेप्सिको चेयरमैन इंदिरा नूई को अमेरिकी इंडियन बिजनेस काउंसिल के निदेशक मंडल में शामिल किया गया था। 1986 से 1990 के बीच उन्होंने मोटोरोला कंपनी में कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और कंपनी के ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास का मार्गदर्शन किया। नूई पेप्सिको की दीर्घकालिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी की शिल्पकार मानी जाती हैं। 1994 में नूई पेप्सिको में शामिल हुई और 2001 में अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी। उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक कंपनी की वैश्विक रणनीति का निर्देशन और पेप्सिको के पुनर्गठन का नेतृत्व किया है।